तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के शेड्यूल के बारे में कैसे जान सकते हैं, यानी कि आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच किस दिन है, कब है और कहाँ है। तो यह सब पूरी जानकारी आप अपने मोबाइल पर ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि आप किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के शेड्यूल को कैसे अपने मोबाइल पर जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका कि नाम है क्रिकवॉच। अगर आपके फ़ोन में वह ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने क्रिकवॉच ऐप को खोलेंगे तो फिर क्रिकवॉच ऐप कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो मैच हाल ही में समाप्त हो चुके हैं उसका स्कोर कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर जो मैच अभी चल रहा है तो उसका बॉल बाय बॉल लाइव कॉमेंट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जिस भी मैच का लाइव कॉमेंट्री देखना होगा तो उस मैच पर कर देना होगा क्लिक। तो फ्रेंड्स, आप क्रिकेट इंटरनेशनल मैचों के शेड्यूल को कैसे देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, शेड्यूल को देखने के लिए आपको आना होगा यहाँ नीचे साइड कोने में, और यहाँ पर जो ये मोर का ऑप्शन है 3 डॉट के नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल का, तो आपको यहाँ शेड्यूल के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। चलिए मैं कर देता हूँ क्लिक। तो फ्रेंड्स, जब आप शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंटरनेशनल मैच या फिर T20 लीग या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट सभी मैचों का शेड्यूल यहां पर शो कर देगा। जैसे कि देखिए, यहां पे इंटरनेशनल मैच के बारे में बता रहा है, तो ये 20 फरवरी को मलेशिया और हांगकांग के बीच पहला T20 खेला जाएगा जो कि कुआलालंपुर में होगा, और यह मैच 5 बजे से होगा। और फिर नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा जो कि जोहानसबर्ग में होगा, और ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे रात को खेला जाएगा। और फ्रेंड्स, 21 को ही मलेशिया और हांगकांग के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा उसी ग्राउंड पर, और यह भी मैच शाम 5 बजे PM से है। और फ्रेंड्स, 21 फरवरी को ही ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट शुरू होगा, और उस दिन इस टेस्ट मैच का पहला दिन होगा जो कि 4 बजे AM यानी कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जितना भी शेड्यूल देखना है तो बस आपको यहाँ नीचे आते जाना है, आपको सारे इंटरनेशनल मैचों का शेड्यूल यहाँ से दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप T20 लीग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इंटरनेशनल के बाद है T20 लीग, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर जिस देश में T20 मैचेस खेले जा रहे होंगे वो यहां शो कर देगा। जैसे कि देखिए, 20 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच है, और ये दो टीम है क्वेटा ग्लैंडेटेरियस और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि 7:30 से है। फ्रेंड्स, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचों का शेड्यूल देखना चाहेंगे तो आपको डोमेस्टिक पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने डोमेस्टिक क्रिकेट मैचों का शेड्यूल खुल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप महिला क्रिकेट मैचों के शेड्यूल को देखना चाहते हैं तो यहां पर वोमेन पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने मोबाइल पर घर बैठे किसी भी इंटरनेशनल मैचों के शेड्यूल को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।